नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अब बिहार में रोजगार मेला लगना शुरू हो चुका है। अगर आप मैट्रिक इंटर स्नातक पास है या कोई आईटीआई कोर्स किए हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो कब से कब तक ये रोजगार मेला लगेगा, कौन कौन से जिले में लगेगा, इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर वही नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। हालांकि अभी पांच ही जिले में जो भी रोजगार मेला लगेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जिले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन अगर आप अदर जिले से भी हैं, इसके अलावा जो जिले का नाम यहाँ पे दिखलाई देगा जैसे रोहतास हो गया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, अगर इसके अलावा अदर जिले से आते हैं आसपास के जिले से तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया श्रम संसाधन विभाग बिहार निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के पहल नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2024 राज्य के सभी जिले के तकनीकी एवं गैर तकनीकी यानी जो भी अगर आप कोई दोस्तों अगर आप कोई आईटीआई कोर्स किए हैं जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गया, प्लम्बर्स हो गया, अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार से जो भी किए होंगे या नहीं भी किए हैं, केवल आप मैट्रिक इंटर या स्नातक पास है तो भी आप इस मेले में भाग ले सकते हैं। जो बता रहे दोस्तों कौन कौन से जिले में कब कब मेला लगने वाला है और कहाँ पे लगने वाला है इसके बारे में जानकारी दिया गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। जानकारी बताया गया है कि कब से डेट को कब लगेगा। तो वही बात करते हैं कैमूर जिला की बात करें तो 24/6/2024 के डेट में लगने वाला है जो कि जिला स्तरीय मेला लगेगा, जो कि एक ही दिन आपका मेला लगने वाला है जो कि देख सकते हैं एक दिवसीय है। जो कि आयोजन का स्थल की बात करते हैं कहाँ पे जगजीवन स्टेडियम मोहिनिया कैमूर में लगने वाला, यानी इसी जगह पे आपका मेला लगने वाला है जहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ पूछताछ करना तो इस मोबाइल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं रोहतास जिले में लगने वाला है जो कि नियोजन मेला की जो तिथि की बात करते हैं 26/6/2024 को लगने वाला है। ये 26/6/2024 को लगने वाला जो कि जिला स्तरीय मेला है जो कि एक दिन मेला ये भी लगने वाला जो कि फजलगंज स्टेडियम सासाराम में लगने वाला जो कि आयोजन स्थल की बात किया गया है तो यहाँ पे लगने वाला है। और इसके लेकर एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, अगर किसी प्रकार का अगर आपको है कुछ पूछना है तो इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तीसरा नंबर बताया गया बक्सर जिला में लगने वाला जो कि 27/6/2024 को लगने वाला जो भी ये भी जिला स्तरीय है जो कि एक दिन लगने वाला है। जो कि आयोजन कहाँ पे होगा तो संयुक्त श्रम भवन आईटीआई परिसर चरित्र वन बक्सर में लगने वाला है। इसको लेकर दो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप बात कर सकते हैं किसी प्रकार अगर आपको दिक्कत हो तो। भोजपुर में लगने वाला 28/6/2024 को और औरंगाबाद में लगने वाला है 29/6/2024 को। ये भी जिला स्तरीय मेला होने वाला है जो कि एक ही दिन ये लगेगा। जो कि भोजपुर की बात करते कृषि भवन ग्राउंड ब्लॉक रोड आरा में लगने वाला है और वहीं औरंगाबाद की बात करते अनुग्रह इंटर विद्यालय स्कूल गेट मैदान औरंगाबाद में लगने वाला है। यानी सभी जगहों का नाम दे दिएगा, हो सकता है कि अगर आपके जिले का नाम ना आए तो हो सकता है नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आए उसमें आपके जिले का नाम हो तो वहां पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अलग अगल बगल जिले के हैं तो आप इसमें जाकर अपना भाग ले सकते हैं मेला में। पूरा जानकारी दिया जो कि मेला के जो भी आयोजन जो होगा टाइम टेबल भी बताया कब से कब तक लगने वाला है तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका मेला लगने वाला है। भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के NCS पोर्टल पर आपको निबंधन कराना आवश्यक होगा और आयोजन स्थल पर निबंधन की व्यवस्था उपलब्ध भी होगी। अगर आप निबंधन नहीं कराए हैं तो भी इस मेले में जाएंगे तो आयोजन जो भी मेला हो रहा है वहाँ पर निबंधन की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी उपलब्ध होगी जहाँ पर आप भाग ले सकते हैं और भाग लेने वाले नियोजन के NCS पोर्टल पर निबंधित होना आवश्यक भी होगा। तो ये कुछ जानकारी हो गए। तो अगर आप इस मेला में जाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर जाएं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो भी प्राइवेट कंपनी आती है आपको जॉब ऑफर मिलता है वहाँ पे आप जॉब पा सकते हैं। जो कि दोस्तों बता दें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता बल्कि प्राइवेट जॉब मिलता है, अलग अलग कंपनी आती है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 से 30 कंपनी आती है, अलग अलग जो भी जॉब उनको ज़रूरत पड़ता है तो उस हिसाब से आपको ऑफर मिल सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।